हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पहले स्टार्ट कर रहे हैं क्लोरीन। क्लोरीन का जो नेम है वो कहां से आया? ग्रीक क्लोरोज मीनिंग है ग्रीनिश येलो। क्लोरीन का कलर कैसा है? ग्रीनिश येलो। इस कलर की वजह से डेवी ये साइंटिस्ट है, इन्होंने इसको क्या नाम सजेस्ट किया? क्लोरीन। मैन्युफैक्चर बाय डीकंस प्रोसेस। इस प्रोसेस में हम क्लोरीन को कैसे ऑब्टेन करते हैं? बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एचसीएल गैस विद एयर इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड एट 723 केल्विन। ये इसकी इक्वेशन है। HCl गैसियस फॉर्म में, ऑक्सीजन कहां से आई? एयर से। ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, ये कैटालिस्ट है, हीट किया हमने तो अपने पास क्या आ जाएगी? क्लोरीन। प्रॉपर्टीज, इट इज अबाउट 2.5 टाइम्स हैवियर देन एयर एंड सोल्यूबल इन वाटर। ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब स्टार्ट करें केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद अमोनिया। अगर हम अमोनिया को एक्सेस में ले रहे हैं तो क्लोरीन के साथ कंबाइन करके क्या फॉर्म करेगा? अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन। और अगर क्लोरीन को एक्सेस में ले लें तो फॉर्म करता है NCl3+HCl। तो रिएक्शन अगर कंप्लीट करनी है तो ध्यान देंगे इसमें क्या मेंशन किया है, क्लोरीन को एक्सेस में गिवन है दिया हुआ है या अमोनिया को एक्सेस में दिया हुआ है। सेकेंड है रिएक्शन विद अल्कली। अल्कली किसे कहते हैं? उन बेसेस को जो अपने अक्वस सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड करते हैं, जैसे NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो NaOH के साथ पहले लेते हैं, NaOH अगर कोल्ड है, डाइल्यूट है, क्लोरीन उसमें अगर हम पास करते हैं तो क्या क्या बनता है? NaCl, सोडियम हाइपोक्लोराइट और वाटर। अपने से पूछें क्या ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, तो कैसे बताएंगे? स्टेट में देखें क्या चेंज आया। क्लोरीन की स्टेट यहाँ जीरो, यहाँ माइनस वन, यहाँ प्लस वन। तो जीरो से माइनस वन डिक्रीज हुई, रिड्यूस हुआ क्लोरीन, जीरो से प्लस वन इंक्रीज हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। तो वो रिएक्शन जिसमें एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस एट द सेम टाइम होता है उसे क्या बोलते हैं? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अगर हम NaOH को कंसंट्रेटेड ले लें, सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड हो और साथ में हीट करते हैं और उसके बाद क्लोरीन गैस पास करें तो क्या आया? NaCl, सोडियम क्लोरेट और वाटर। अब ध्यान देंगे, देखें ये जो सोडियम हाइपोक्लोराइट है ना, ये नॉर्मल कंडीशन पे तो स्टेबल है, अगर इसको हीट कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? NaCl में और NaCl3 में। अब ये भी एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है क्योंकि क्लोरीन की स्टेट 0 से -1 और +5 हुई है। नेक्स्ट रिएक्शन है विद स्लैक लाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन गैस पास की, क्या फॉर्म हुआ? ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। अगर ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला पूछें तो ये बताएंगे और कंपोजिशन पूछें कि ब्लीचिंग पाउडर में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं तो ये सारे लिखेंगे। क्या क्या? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में वाटर, मतलब ये हाइड्रस है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ब्लीचिंग एक्शन। कोई भी सब्सटेंस अगर ब्लीचिंग एजेंट है या ब्लीचिंग एक्शन शो करता है तो उसके दो रीजन है, या तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या फिर रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्लोरीन है वो किस एक्शन से ब्लीच करता है? क्लोरीन अगर वाटर से कंबाइन करता है तो HCl और साथ में क्या आती है? नेसेंट ऑक्सीजन। तो क्लियर है कि क्लोरीन अक्वस सॉल्यूशन में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब जो भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है उसको हम एज ए ब्लीचिंग एजेंट यूज कर सकते हैं।
अगर वो हार्मफुल ना हो तो क्लोरीन है ये एक ब्लीचिंग एजेंट है और इसका जो ब्लीचिंग एक्शन है वो क्यों है ड्यू टू ऑक्सीडेशन। और अगर किसी सब्सटेंस का ब्लीचिंग एक्शन ड्यू टू ऑक्सीडेशन है तो परमानेंट होता है, लेकिन अगर रिडक्शन की वजह से ब्लीच करता है तो वो टेम्परेरी है। SO2 गैस है, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट, वो ब्लीचिंग एजेंट का काम करती है, लेकिन उसका ब्लीचिंग एक्शन ड्यू टू रिडक्शन है। और किसी रिड्यूस्ड सब्सटेंस को एयर में रख दें तो एयर क्या करेगी, उसको ऑक्सीडाइज कर देगी। रिड्यूस होने से कलर डिस्चार्ज हुआ था और ऑक्सीडाइज होने से दोबारा कलर आ जाएगा। इसलिए अगर किसी सब्सटेंस का ब्लीचिंग एक्शन ड्यू टू रिडक्शन है तो वो क्या होगा, टेम्परेरी, और अगर ड्यू टू ऑक्सीडेशन है तो परमानेंट। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या लिखा हमने, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन एंड हेंस इट इज परमानेंट। मतलब अगर हम इस एक्शन से, जैसे हमने दिखाया कलर सब्सटेंस है उसको हमने क्लोरीन से ट्रीट किया अक्वस सॉल्यूशन में या मॉइस्चर की प्रेजेंस में, तो सब्सटेंस कलरलेस हो जाएगा और दोबारा उसमें कलर नहीं आएगा। लेकिन ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज ड्यू टू रिडक्शन एंड ब्लीच्ड सब्सटेंस रिगेन इट्स कलर कब, व्हेन एक्सपोज टू एयर एंड हेंस इट इज टेम्पररी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। क्लोरीन है ये वाटर की प्रेजेंस में मींस अपने अक्वस सॉल्यूशन में नेसेंट ऑक्सीजन देता है और यही नेसेंट ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, फॉर ऑक्सीडेशन एंड ब्लीचिंग एक्शन। तो अब हम बता रहे हैं अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। क्लोरीन ने वाटर से कंबाइन किया, क्या फॉर्म किया, HCl और नेसेंट ऑक्सीजन। पहला एग्जांपल लिया मैंने, इट ऑक्सीडाइजेज फेरस साल्ट Fe2 पॉजिटिव टू Fe3 पॉजिटिव। तो अब ये फेरस सल्फेट है, ये Fe2 साल्ट कहलाएगा क्योंकि यहां Fe का 2 पॉजिटिव चार्ज है। एसिडिफाइड सॉल्यूशन है, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन हमेशा हम क्या लेते हैं, एसिडिफाइड, अदरवाइज क्या हो जाएगा इसका हाइड्रोलिसिस और उसमें PPT बन जाएंगे FeOH2 के, फेरस हाइड्रोक्साइड के। तो टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस क्या ऐड किया, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हमने क्या लिया, एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट, इस ऑक्सीजन ने इसको ऑक्सीडाइज किया फेरस से फेरिक में, तो फेरस सल्फेट ऑक्सीडाइज किसमें हो गया, फेरिक सल्फेट में। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, एग्जाम में भी इक्वेशन लिखनी आती है तो हम सिंगल स्टेप में भी लिख सकते हैं। ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए इसको टू स्टेप में लिखा। तो देखें लास्ट रिजल्ट क्या है इसमें, 2 फेरस सल्फेट प्लस H2SO4 प्लस क्लोरीन और ये फेरिक सल्फेट प्लस 2HCl। सेकंड एग्जांपल है, इट ऑक्सीडाइजेस सल्फाइड टू सल्फेट, कोई भी सल्फाइड है, जैसे हमने लिया यहां पर सोडियम सल्फाइड, क्लोरीन वाटर से कंबाइन करेगा तो क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट। दो स्टेप में दिखाएं तो ये फर्स्ट स्टेप तो सब में कॉमन रहेगा, सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे, Na2SO3 प्लस ये ऑक्सीजन और ये आ जाएगा Na2SO4, दोनों ऐड करेंगे तो ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। थर्ड है, इट ऑक्सीडाइजेज SO2H2SO4, SO2 क्लोरीन वाटर से कंबाइन करेगी तो पहले SO2 बनेगा SO3, वो SO3 वाटर से कंबाइन करके क्या बना लेगा, H2SO4, और HCl है ये हम देखेंगे सभी में साइड प्रोडक्ट आएगा क्योंकि क्लोरीन वाटर का जो प्रोडक्ट है ना नेसेंट ऑक्सीजन, ये तो यूज हो जाएगा इन ऑक्सीडेशन और ये एजिटी सभी में साइड में आता जाएगा। और इसका लास्ट एग्जांपल लिया हमने, ऑक्सीडेशन ऑफ I2 आयोडीन टू आयोडिक एसिड, I2 वाटर क्लोरीन वाटर से कंबाइन करेगा तो ये भी तीन स्टेप में होती, पहला स्टेप तो ये है, दूसरे स्टेप में I2 प्लस O ये वाला O और I2O5 बनता है, वो I2O5 वाटर से कंबाइन करके क्या बनाता है, HIO3, ये है आयोडिक एसिड।
तो ये हमने चार एग्जांपल लिए हैं जो सपोर्ट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ क्लोरीन। एक ये नोट लिखा मैंने, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्लोरीन वाटर को अगर हम रख देते हैं ऑन स्टैंडिंग तो इसका येलो कलर डिसअपीयर हो जाता है। क्लोरीन वाटर ऑन स्टैंडिंग लूजेस इट्स येलो कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HCl एंड HOCl। क्लोरीन वाटर से कंबाइन करता तो इन्हीं लिए बनते हैं, दोनों ही सब्सटेंस कलरलेस है, HCl और हाइपोक्लोरस एसिड। अभी जो हाइपोक्लोरस है ये कंपोज हो जाएगा किसमें, HCl में और नेसेंट ऑक्सीजन में, तो दोनों स्टेप को ऐड कर देते हैं तो फिर ये सिंगल स्टेप में लिखा जा सकता है। तो क्लोरीन वाटर का कलर डिसअपीयर क्यों हुआ, क्योंकि इसमें HCl और HOCl बन जाता है जो कलरलेस सब्सटेंस है। यूजेस, इसका यूज कहां का है, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प। अभी जैसे हमने कुछ टाइम पहले बताई वुड ब्लीचिंग एजेंट है, तो इसको हम ब्लीच करने के लिए यूज करते हैं, कहां पर, और पल्प पेपर इंडस्ट्री के अंदर कागज बनता है वहां, टेक्सटाइल में ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है वहां। सेकेंड है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये मेटलर्जी होती है, गोल्ड को प्लेटिनम को ओर से अलग करना, वहाँ इसका यूज होता है। इन स्टरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के अंदर क्लोरीन गैस पास करने से क्या होता है, जो इन्फेक्शियस स्पीसीज खत्म हो जाती है, तो ये फॉर स्टरलाइजिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर यूज होता है। इन द प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैसेज, कुछ एग्जाम्पल लिखे हमने, फोसजीन टीयर गैस, ये ब्रैकेट में फार्मूले हैं, मस्टर्ड गैस, ये पॉइजनस गैसेज हैं जो क्लोरीन की हेल्प से, क्लोरीन को यूज करके प्रिपेयर की जाती है। लास्ट में क्वेश्चन लिया हमने, गिव रीजन फॉर ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन, ऑलरेडी बता दिया हमने, ब्लीचिंग एक्शन ऑक्सीडाइजिंग एक्शन दोनों के लिए एक ही रीजन है, क्या, कि जो क्लोरीन वाटर है या क्लोरीन मॉइस्चर की प्रेजेंस में नेसेंट ऑक्सीजन देता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ब्लीचिंग एक्शन। अगर क्वेश्चन आए रीजन फॉर ऑक्सीडाइजिंग एक्शन तो भी हमने यही लिखना है। तो ये हमने कंप्लीट किया अबाउट क्लोरीन।